शाहपुरा से। शाहपुरा शहर के कब्रिस्तान के समीप काजी कॉलोनी में पधारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष फकरुद्दीन एवं वर्तमान जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार खान का हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता विजय तांबी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हुए अल्पसंख्यकों की समिति पर विस्तार से चर्चा की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नजरिए से वर्तमान परिदृश्य में अल्पसंख्यकों के हालात जाते शाहपुरा शहर में अल्पसंख्यकों की स्थिति एवं आरोपों पर नगर पालिका का चेयरमैन ने देखा क्या कहा। सबसे पहले मैं न्यूज फ्लैश चैनल के माध्यम से उत्तर जयपुर देहात की आज बड़े स्तर पर मनोरपुर में मीटिंग आयोजित थी, जिसमें शिरकत करने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर देहात उत्तर के जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार खान जी पधारे। सबसे पहले मैं न्यूज़ फ्लैश चैनल के माध्यम से अब्दुल सत्तार खान जी का स्वागत करना चाहूँगा और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विस्तार से जानना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर वर्तमान परिदृश्य में इनके क्या विचार हैं। अब्दुल सत्तार जी, आजकल वर्तमान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो 2.5 साल गहलोत सरकार को हो गए और इन्होंने कोई काम नहीं किया अल्पसंख्यकों के लिए, और मैंने आज मनोरपुर में चौहान गार्डन में अपने जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करवाई थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मिद मेवाती, उनका मार्गदर्शन मिला और जिले के जयपुर जिला देहात उत्तर के अध्यक्ष जितेंद्र जी शर्मा का मार्गदर्शन मिला और कोई अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से 20 लोगों को नए लोगों को जोड़ा, उनको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया जितेंद्र जी शर्मा ने, और अल्पसंख्यकों की बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है, इसके लिए मैं आगे कार्य करता रहूँगा। मात्र मेरे को एक महीना अभी बनाया गया है जिला अध्यक्ष, उसके तो अभी मैं पूरा जिले का दौरा भी नहीं किया और फिलहाल मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के शहर कब्रिस्तान की हालत देखी है, तो कोई बाउंड्री नहीं है 2.5 साल से और एकदम जो जानवर है। आज जो मनोरपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर देहात उत्तर की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में पधारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष शेख फकरुद्दीन जी से अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। वर्तमान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर क्या नज़रिया है? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर जिला देहात अध्यक्ष की हैसियत से मनोहरपुर मीटिंग के बाद जब मैं शाहपुरा आया, वर्तमान अध्यक्ष जयपुर जिला देहात उत्तर भाई अब्दुल सत्तार जी के साथ शाहपुरा आने के बाद मुझे यहाँ के लोगों ने यहाँ की समस्याओं के बारे में मुझे बताया गया, अवगत करवाया गया कि हम लोग इतनी तादाद के अंदर इस पार्टी को हम वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन बावजूद उसके हमारा काम बहुत कम जो है ना होता है, सुनवाई नहीं होती। जैसे मुझे बताया गया यहाँ के कब्रिस्तानों के बारे में, तो उनकी जो हालत, उनकी चार दीवारी की हालत, ना रोड लाइट की कोई ऐसी व्यवस्था, उसकी साफ सफाई की, ये नगर पालिका का काम देख रेख का होता है, तो यहाँ के जो पार्षद चुने गए हैं, मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी के जितने भी वोटर हैं उनमें से 85-90% वोट जो है कांग्रेस को वोट करते हैं। फिर भी ये दुर्भाग्य है इस समाज का कि इनके कामों को जो है नज़रअंदाज किया जाता है और
मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट को बने हुए हो गए, लेकिन जितने भी जो बोर्ड हैं उनमें नियुक्तियाँ अशोक जी गहलोत साहब के द्वारा नहीं की गई, ये भी एक मुस्लिमों का अपमान मैं समझता हूँ, अपमान के बराबर है, जबकि उनका हक बनता है ताकि वो अपनी कौम की खिदमत कर सकें और वाजिब काम हो सके। मदरसा बोर्ड खाली, हज हाउस का बोर्ड खाली, एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, बाकी बोर्ड खाली है, तो मैं गुजारिश, मेरी पुरजोर अपील है। शाहपुरा विधायक श्रीमान आलोक जी बेनेवाल द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जो कल एक मीटिंग हुई है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की, उन्होंने कहा है कि साहब कांग्रेस और विधायक साहब ने अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं उनको बता दूं कि विधायक साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अभी फिलहाल उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उसके अलावा समय समय पे वो कब्रिस्तान के लिए और भी विशेष योजनाएं उनके पास हैं। अभी एक हाई मास्क लाइट भी लगवाई है तकिया बस्ती में वार्ड नंबर 16, एक बोरिंग करवाया है अल्पसंख्यक मोहल्ले में वार्ड नंबर 16 जो चालू है आज की तारीख में। ये उनके 2.5 साल का कार्यकाल है। इनको बता दूँ कि 2.5 साल में 16 महीने तो कोरोना में चले गए, उनको समय नहीं मिला, इतने से अल्प समय में इतना काम किया है। आगे भी बहुत योजनाएं जो इनके लिए की जाएंगी, इसलिए किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।